सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। और स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी सीरीज 10 डेज प्लेज में। और आज हम करने वाले हैं अपना डे नंबर 6 का फर्स्ट वीडियो, जो कि है व्हाट नोटिस। तो नोटिस आज हम पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस, नोटिस एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में हमेशा आता है। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स देखोगे तो उसमें अधिकतर टाइम शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस ही आया होगा, इवन प्री बोर्ड में भी, फर्स्ट टर्म में भी। तो नोटिस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नोटिस को और देखते हैं नोटिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसमें क्या क्या हमारी वेरिएशंस होती हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें गिवन है उन सबको यूज़ ज़रूर करो, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर करो, ताकि आप लोग जो हैं अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ 12th क्लास इंग्लिश एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोटिस राइटिंग की, ठीक है। नोटिस राइटिंग में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नोटिस के बारे में बताया है, एक है इवेंट नोटिस, दूसरा है क्या, कैजुअल नोटिस। अब देखो, इवेंट नोटिस क्या है, कैजुअल नोटिस क्या है, ऐसा कोई फिक्स यू नो डिवीज़न नहीं है कि इवेंट नोटिस होता है, कैजुअल नोटिस होता है। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझाने के लिए इसको डिवाइड किया है। तो इवेंट नोटिस में मैंने बोला है, द क्वेश्चन ऑफ नोटिस अराइजेस फॉर आस्किंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। मतलब अगर हम नोटिस लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखा जाता है। तो एक स्कूल अगर लिख रही है तो उसके मेंबर्स टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इवेंट नोटिस का मकसद होता है किसी भी इवेंट के बारे में, जैसे फंक्शन, कॉम्पिटिशन, चैरिटीज हो या कोई भी इवेंट हो जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बारे में लोगों को हमें बताना है, स्टूडेंट्स को हमें बताना है। और स्पेशली यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। और दूसरी जगह पे अगर मैं कैजुअल नोटिस की बात करता हूँ तो कैजुअल नोटिस के अंदर हमारे वो नोटिसेज आ जाते हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेशन की बात नहीं करते। जस्ट इमेजिन, आपके स्कूल आईडी कार्ड इश्यूज होने वाले हैं और जो नोटिस है वो ड्राफ्ट करना है, जस्ट बिकॉज आप अपनी जो फोटोग्राफ्स है वो सबमिट करा दो अपने क्लास टीचर्स को और उसके लिए नोटिस ड्राफ्ट करना है, तो वो आपका कौन सा नोटिस होगा, कैजुअल नोटिस होगा, जस्ट बिकॉज वहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात नहीं हो रही है। तो आई होप आप लोग इस डिफरेंस को समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है इवेंट नोटिस में और कैजुअल नोटिस में। अब मैंने यहाँ ब्लूप्रिंट दिया है सेल्फ कंपोजिशन का, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बतानी होती हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है जो नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है, जैसे कई बार आता है कि RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है आपकी कॉलोनी की, वो जो है वो नोटिस ड्राफ्ट कर रही है और मेंबर्स को इन्वाइट करना है, मेंबर्स को बुलाना है किसी मीटिंग के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एक कंपनी ड्राफ्ट कर रही है या फिर एक सोसाइटी ड्राफ्ट कर रही है या फिर स्कूल ड्राफ्ट कर रहा है, वैसे स्कूल का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। उसके बाद नोटिस लिखना होता है हमें, फिर डेट डालनी होती है, डेट इस तरीके से कुछ डालनी होती है हमें, और टाइटल डालना होता है। अगर कैजुअल नोटिस कर रहे हैं तो हमारा टाइटल क्या आ जाता है, अटेंशन। अगर हम कैजुअल नोटिस कर रहे हैं तो हम टाइटल डाल सकते हैं अटेंशन, और अगर हम इवेंट नोटिस कर रहे हैं तो इवेंट का जो नेम है वो हमारा एज अ टाइटल आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है हम किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और तीसरा हम इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। जैसे मान लो स्पोर्ट्स डे है तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अब स्पेसिफिकली अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स को कर रहे हैं तो वो मेंशन कर देंगे। फिर हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्पोर्ट्स डे के बारे में बता देंगे, डेट क्या है, टाइम क्या है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो बता देंगे, अगर कोई चीफ गेस्ट आने वाला है उसके बारे में बता देंगे। और लास्ट में क्यों दे रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आपको बता ही दिया, इवेंट नोटिस लिखने का मेन पर्पस होता है पार्टिसिपेशन के लिए इन्वाइट करना, तो वो पार्टिसिपेशन वाली लाइन यहाँ पे लास्ट में आ सकती है। और नेम आ जाता है उस पर्सन का जो नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है, और उसका डिजिग्नेशन आ जाता है, ज़्यादातर केसेस में हेड बॉय, हेड गर्ल यही लोग होते हैं, और जो क्वेश्चन में नेम गिवन होगा आपका वही आता है। तो सेल्फ कंपोजिशन के वे में आप इस फॉर्मेट को यूज़ करके अपने अपने हिसाब से नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हो, मुझे लगता है नोटिस आपको आता भी होगा बहुत अच्छे से। अगर मान लो किसी को दिक्कत होती है, कोई ड्राफ्ट नहीं कर सकता, तो मैंने इवेंट नोटिस यहाँ पे दे रखा है, ये वाला जो मैंने आपको कॉमन कंपोजिशन दिया है ये इवेंट नोटिस का दिया है, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में इवेंट नोटिस पूछा जाता है। तो अगर आप इवेंट नोटिस करते हो तो कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया, जैसे गुडविल एजुकेशन एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है तो गुडविल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, फिर नोटिस आ गया, डेट आ गया, इवेंट नोटिस में फंक्शन का नाम एज अ टाइटल आ जाता है, फिर किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, व्हाट, ये आ गया, किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं वो आ गया, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, और फिर क्या इन्फॉर्म क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फंक्शन का नाम हमने बता दिया और उसकी डिटेल्स भी हमने दे दी डेट और वेन्यू के अंदर कि कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम चाहें तो दे सकते हैं कि कौन चीफ गेस्ट होगा वहाँ पे, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना पार्टिसिपेशन के लिए नाम दे सकते हैं। ये हमारी एंडिंग की पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, और नेम और डेजिग्नेशन आ गया जिसने ये
लिखा है, तो बहुत ही इजी है। मैं तो यही कहूंगा गाइस कि नोटिस के क्वेश्चंस को परफॉर्म करके देखो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नोटिस एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके नोट्स के अंदर भी इस सैंपल फॉर्मेट को दे रखा है, अगर आपके पास नहीं है नीचे पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इस सैंपल फॉर्मेट को ले सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर आपका कोई भाई बहन भैया भाभी या कोई टीचर है जिससे आप इंग्लिश पढ़ते हो अपने ट्यूशन के अंदर, तो उसे चेक करवाओ, उससे पूछो कहाँ कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और गाइस 10 डेज प्लेज चल रहा है लेकिन फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल तो मैंने सोचा था कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, व्यूज कम आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में जरूर बताओ और इन वीडियोज को आग की तरह फैला दो, इन वीडियोज को यूट्यूब पे इतना ज्यादा फैला दो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोज पहुंच पाए। तो प्लीज मेरे को हेल्प करो, मेरे को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करो, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, इस पे कमेंट जरूर करो, और यहां पे जो आपका GWE का बटन है उस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू वर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन।